अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने मस्जिद का काम शुरू किया हुआ है और आपको हर रोज़ डेली की जो अपडेट देते हैं मस्जिद के काम के बारे में। तो जी दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो था मस्जिद के फ्रंट का, और मस्जिद के फ्रंट के बनने का काम हम कर रहे हैं। आपको पता है, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने ये जो सेंटर वाली जगह है ना मस्जिद की, दरमियान वाला हिस्सा, उस पे हमने आपको बताया था कि बन्ना जो है हमने लगाना है वो साइडों वाली जगह से 18 इंच ऊपर हो। और जो साइडों वाली जगह पे है वो आप देख सकते हैं वीडियो में, वो है 18 इंच नीचे। और सेंटर वाली जगह पे मीनार भी, और जो सेंटर वाला हिस्सा है मीनारों के दरमियान, छोटे मीनारों के दरमियान जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, वो भी 18 इंच ऊपर है। जी दोस्तों, आपको पता है कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि जो हमने साइड पे जो दूसरा दाएं बाएं साइड पे जो नीचे लगाया था वो हमने कल 4 रतें मुकम्मल कर लिए थे। उसके ऊपर सिर्फ टाइल रह गई थी, टाइल का ये टक लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, ये 2.25 इंच निकाला हुआ है दूसरी से तकरीबन। ये हमारी जो ओरिजिनल जैनमन दीवार जो 18 इंच की दीवार थी उससे हमने ये 10 इंच जो है ना वो नीचे वाली दीवार से बाहर निकाला हुआ है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में वो 10 इंच बाहर निकाला हुआ है, तो ये ऊपर टोटल 10 इंच हो गया। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसके ऊपर रदे लगाए, एक लगाया है और इंशाल्लाह एक कल लगाएंगे। तो इसके जो है ना वो बाहर की तरफ झुके ना, गिरे ना, इसलिए जो पीछे रदा एक दो रदे लगाएंगे। तो देख सकते हैं वो मीनार है, मीनार बड़ा मीनार है, उस पर आप देख सकते हैं जूम किया है, वो आप देख सकते हैं टैल का टक लगा हुआ है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में, और ये दूसरी तरफ है, ये आप देख सकते हैं ये दरमियान वाला हिस्सा रह गया है, इस पे हमने सिर्फ टाइल लगानी है। ये 4 रदे मुकम्मल हो चुके हैं, 4 रदों में 8 इंच बाहर निकाला हुआ है, और टाइल 2.25 इंच निकालेंगे, उसके बाद ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके ऊपर हम 2 रदे लगाएंगे ताकि ये बाहर की तरफ गिरे ना, मजबूती इसकी ज़्यादा हो जाए। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये कॉर्नर है इसका, कॉर्नर पे हमने इधर ऊपर टाइल लगाई हुई है, और टाइल के ऊपर आप देख सकते हैं ये छोटा मीनार है, और ये दरमियान वाला हिस्सा, और ये जो है ये साइड वाला हिस्सा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर दो हमने रदे लगाए हुए हैं, ये 2 रदे इसलिए लगाएं ताकि ये बाहर की तरफ गिरे ना, इसका कोई मसला ना बने, इसलिए मजबूती की हुई है। जी ये देख सकते हैं, इसके ऊपर मीनारे के ऊपर 2 रदे लगाए हैं। अब इसके ऊपर ये जो एक तरफ दिखाई दे रहा है पखों वाली साइड, और दूसरी साइड जब हम इसके ऊपर शुरू करेंगे काम, तो ये ऊपर बिल्कुल ही इसका जो है ना 8 कोनों वाला पिलर जाएगा ऊपर, इसको पोरी बोलते हैं मिस्त्रियों की ज़बान में, इसको पोरी बोलते हैं। ये पोरी अब जाएगी दोस्तों, कल हम इसके बीम लगाएंगे, बीम के साथ ही माल इसकी भराई करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर अब चिनाई लगाएंगे, पोरी लगाएंगे। जी आप देख सकते हैं, जी दोस्तों, जी आप देख सकते हैं।